आई एम हेयर टू हेल्प यू रिगार्डिंग द इंग्लिश लैंग्वेज आई आम द इंग्लिश फैकल्टी ऑफ द इंस्टीट्यूट माई नेम इज मोहितज यू ऑलरेडी फेमिलियर विद मी नाउ टॉकिंग अबाउट वट 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 वी हैव लर्न इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश वी हैव लर्न नाउन वट इज नाउन देर आई टोल्ड यू द नाउन मीन नेमिंग वर्ड आर कॉन नाउन मीन्स जो भी किसी चीज के जो नाम होंगे उसे हम नाउन कहते हैं क्लियर नाउन

आर्टिकल नवा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है प्लीज पे टेंशन आर्टिकल इज नॉट दाइन पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव इट इज विद विद इन एट ऑफ स्पीच एंड आर ऑलवेज द कॉमन नॉन फॉर एग्जाम्पल पेन अ यूजफुल पेन तो अ जो आया है वो किसके लिए आया है अ यूजफुल पेन यहां पर जो आया है वो किसके लिए आया है इट इज यूज फॉर द पेन मैंने बताया कई बार आपको बताया क्या बताया मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल आप दो दोस्त बैठे हैं यहां पर यहां पर बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो दोस्त बगल बगल बैठे हैं इसका मतलब अगर दो लोग अगल बगल बैठे हैं साइड बाय साइड बैठे हैं नेक्स्ट टू पर्सन बैठे हो आप इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आप इसी के लिए इसी के ही दोस्तों हो।, हो सकता है आप इसके दोस्तों इन द सेम मैनर अगर आर्टिकल के बगल में लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि यूजफुल के लिए आया है इसका मतलब ये के लिए है, पेन के लिए आया पेन इज वॉट पेन इज अ कॉमन नाउन सो आर्टिकल आर ऑलवेज यूज विदन नाउन दिस इज वॉट वी हैव स्टीड फ्रॉम है नाउ मोविंग फॉर्व वॉट वी है कॉमन मोड कॉमन नाउन इन प्रॉपर मोड मैंने यहां पर बताया था कि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह बिहेव करा सकते हैं और कॉमन को प्रॉपर की तरह बिहेव करा सकते हैं क्लियर and there i have given you a new sufficient example now मटेरियल लॉन के बारे में हमने बात किया था मटेरियल बताया था वट एवर मटेरियल वी आर इनकाउंटरिंग विद जो हमारे आसपास है मटेरियल उसको भी हमने डिवाइड किया था मटेरियल कुड भी इन द फोर पार्ट नेचुरल एनिमल प्लांट मैडमेड सुधी मटीरियल लॉन एंड वट एव टोल्ड यू दट आर्टिकल समटाइम्स यूज विद मटेरियल लॉन्न एंड समाइम्स इट इज नॉट यूज विद मटेरियल लॉन कब यूज करेंगे कम नहीं करेंगे लुक इट इज वेरी यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक लेट से टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल द सो द इज यूज दिन आर्टिकल सो वट आई एम ट्राइंग टू से इज द डेफिनेट आर्टिकल सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट a specific item a specific material then you can use the article the otherwise no problem for example there's the gold in my ring so if i'm not if i just talk about the gold is precious uh, gold is precious metal sentence is quite correct. gold is precious metal no article is required but if i say gold of my ring is pure in this context the article the is required because here i'm just talking about the gold of this particular ring and hence it is useful Clear? so hence it is specific

पॉइंट और उस क्लास में इस क्लास में जितने भी लोग होंगे वट एवर एंटिटी वी हैव हेयर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लास विल बी ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली सिर्फ स्टूडेंट्स की एंटिटी रहेगी मीस जितने भी स्टूडेंट जितने भी लोग वहां पर है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली क्या होगा ग्रुप हम किसी चीज को तभी कहते हैं जब उसमें जो भी चीजें होंगी विल बी ऑफ द सेम काइंड सेम होगी जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल की बहुत सारे यहाँ पे ऑरेंजेस रखे हैं तो ऑरेंजेस का ग्रुप रखा हुआ है उस ऑरेंजेस के ग्रुप में कोई दूसरी चीज नहीं आ जाएगी यू मस्ट प्रॉबली हैव सीन दिस एग्जाम्पल जब आप स्काई में देखते हो क्या देखते हो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बर्ड्स एक साथ बेसिकली जाती है ठीक है व्हाइट बर्ड जाती है ठीक है तभी वहां से इडियम बन जाता है बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक्स टुगेदर बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक्स टूगेदर यानी कि एक ही तरह के जो लोग होते हैं वो एक साथ रहना पसंद करते हैं इसका मतलब क्या होता है कहीं ना कहीं मतलब जिसकी भी टेंडेंसी जिसकी भी जो मेंटल स्टेट है वो एक तरह की होती है वो एक तरह के लोगों के पास रहते हैं जिसकी अच्छी है वो अच्छे लोगों के पास रहते हैं ससंगति ससंगत लोगों के पास रहते हैं कुसंगति खराब संगत के लोगों के पास रहते हैं सो वट एम ट्राइंग टू से किसी भी ग्रुप में किसी भी ग्रुप में जब भी हम बात करेंगे कि तो ग्रुप जो होगा ज, ग्रुप में जिस चीज का भी कलेक्शन होगा विल बी ऑफ द सेम काइंड क्लियर ग्रुप में ग्रुप का मतलब क्या हो गया ग्रुप का मतलब हो गया कलेक्शन एंड कलेक्शन विल बी ऑफ द सेम काइंड एंड हेंस वी आर कॉलिंग इट एज ग्रुप नाउ ग्रुप ये तो हम समझ गए कि किसी भी चीज के कलेक्शन को को कई सारी है तो अलग अलग ग्रुप बनते हैं जैसे मैंने कहा जो बच्चे क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं उनके ग्रुप को हमने क्या कह दिया जो बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं चार दीवारी में उनको हमने क्लास कह दिया हम अगर रोड पर गए कई सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं तो हम उनको क्या कह सकते हैं कि भैया ये तो क्या है दे आर दी गुन्स ऑफ गुंडे हैं शैतान लोग हैं ठीक है ना क्या है दे आर दी गुंडे और शैतान इसी को हम क्या कह सकते हैं दे आर दी एंटी एंटी सोशल सोशल एलिमेंट ठीक तो मेरा कहने का मतलब है कि हर चीज का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप का एक नाम होता है बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्लास कह देते हैं बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं कहीं पर कुछ आ, एनआरची के ऑस फैला रहे हैं तो हम हम उसको क्या कहेंगे उसको हम गूंज कहते हैं तो यहां से वट इज क्वेश्चन सर आप ये बताएं कि हम यहां से एग्जाम के लिए क्या सीखेंगे वट इज यूजफुल रिगार्डिंग आर एग्जाम ना सो दे क्वेश्चन फ्राम द सेक्शन ऑफ द कलेक्टिव फर्स्ट टाइप द क्वेश्चन इज यूनिट टू स्टेट द टाइप ऑफ ग्रुप टू स्टेट ऑफ ग्रुप या फिर वहां पर एक collection दिया होगा क्या दिया होगा वहां पर कलेक्शन दिया होगा कलेक्शन मतलब वहां पर एक कई सारे लोगों का नाम दिए होंगे और ये पहला प्रश्न ये होगा आपसे कि इस ये सारे लोग अगर एक साथ आ गए तो ये किस तरह का ग्रुप बनाएंगे और उस, उस ग्रुप उस का नाम क्या है जैसे मैंने कहा यहां पे मैंने कहा से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल गए तो क्या बनाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा सर क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में एक क्लास So, पहले जो क्वेश्चन तो होगा कि अगर ये सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो किस तरह के ग्रुप बनाएंगे? तो उस ग्रुप का नाम क्या होगा क्वार पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल जो लायन होते हैं लायन लायन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्राइड तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है दैट ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका

क्लियर नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा नेक्स्ट टाइप हमारा क्वेश्चन होगा कि लेट से अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक बैग लिए हुए हैं ठीक है ना इन दैट बैग लेट से आई हैव टेन बॉल्स और ऑरेंजेस सो इफ आई एम होल्डिंग ऑल दोन ऑरेंजेस टूगेदर लाइक दैट विद माई फिस्ट सो आई एम जस्ट कैरिंग वन बैग हाउ मेनी बैग्स आई एम कैरिंग आई एम कैरिंग वन बैग क्लियर सो दैट इज वन बैग नाउ वॉट एम ट्राइंग टू से आई हैव टेन बॉल्स I have 10 balls. Now, I have 10 oranges, let's say. I have 10 oranges. 10 oranges here. But I'm carrying the 10 oranges with my fist in a bag. And how many bags I'm carrying? I'm carrying one bag. So, this means if the collective noun is together, if the collective noun is together, become singular. But if somehow, if I'm just crossing uh, the road and I uh, stumble with a stone, with a pilot fly, और मैं गिर जाता हूं एट दैट मोमेंट माई बैग विल जस्ट लूज फ्रॉम माई हैंड एंड एट दैट टाइम क्या होगा जो बॉल्स होंगी वो बिखर जाएंगी स्प्रेड पूरे रोड में फैल जाएंगी और उस कंडीशन में मेरे पास एक बैग नहीं होगा मेरे पास दस बॉल्स होंगी सो इन दैट कंडीशन ये जो दस बॉल होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी डिस्क्रीट हो जाएंगी अवे फ्रॉम मी हो जाएंगी एंड हेंस इट विल बिकम द प्लूरल सो वट वी हैव गॉट टू नो की इफ द कलेक्टिव नाउन इज यूनाइटली टूगेदर

टू हो सकती है, या more than two हो सकती है? क्या होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक particular group है उसमें हमने किसी और को डाल दिया जैसे मैंने बोला था आपने कभी नहीं देखा होगा कि आसमान में व्हाइट बर्ड्स का एक ग्रुप मूव कर रहा है फ्लाई कर रहा है उसके बीच में कौआ आ गया यू नेवर द बर्ड्स ऑफ द बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लॉक्स टुगेदर क्लियर

मेले में गए तो आप मेले में कैसे जाओगे आप मेले में गोरे बन तो के जाओगे मतलब क्या, मतलब मतलब क्या हो गया गोरा फेयर प्राइस है अच्छा प्राइज है उस सेंस में भी आता है उसके बाद फेयर फेयर गोरा बन के आप जा कहा रहे हो मेले में तो मेले में जाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा फेयर लगाना पड़ेगा आपको किराया लगाना पड़ेगा

क्या होते हैं भगदड़ अभी क्या थी रावण जलने से पहले हमारे पास क्या थी क्राउड थी दैट इज नोन एज दी भीड़ और उसके बाद क्या आ गई उसके बाद हमारा स्टैम्पीड हुआ और के बाद आ गया मॉब मॉब बोलते हैं उग्र भीड़ क्या बोलते हैं उग्र भीड़ तो रावण जलने से पहले हमारे पास क्राउड था और उसके बाद क्या आ गया उसके बाद हमारे पास मॉब आ गया तो अब मैं क्या कह रहा हूं लाइक like अ क्राउड क्राउड क्या हो गया भीड़ मॉब का मतलब भी भीड़ डिफरेंस क्या है क्राउड इज जस्ट भीड़ मॉब इज उग्र भीड़ उग्र भीड़ बनी कब आफ्टर टीम क्या होता है कई सारे जैसे मैंने कहा विराट कोहली अब विराट कोहली में रोहित शर्मा रोहित शर्मा अकेले पूरी टीम नहीं है विराट कोहली अकेले पूरी टीम नहीं है जब सारे के सारे प्लेयर ग्यारह प्लेयर एक साथ खड़े हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड द टीम एक प्लेयर बोले कि मैं टीम हूं दैट इज नॉट द टीम क्लियर सारे के सारे प्लेयर एक साथ यूनाइट हो रहे हैं देन इट इज नोन एज टीम इन द सेम मैनर आर्मी आर्मी में क्या ऐसा तो नहीं आर्मी में किसी एक सोल्जर को आर्मी बोल दे नो नो नो

ये डेट है आपकी केबीसी केबीसी क्या है कौन बने नो 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 केशवानंदन भारती केस लार्जेस्ट बेंच इसमें बैठी थी और उसके बाद उन बेंच ने क्या किया था उन बेंच ने डिसीजन डिलीवर किया था बेसिक स्ट्रक्चर की बात बताई थी ना वट एम जस्ट ट्राइंग टू से फ्रॉम इज दैट द ग्रुप ऑफ द जजेस इज नोन एज दूरी ग्रुप ऑफ द जजेस तो जूरी कोई एक जज नहीं है जब ग्रुप ऑफ द जजेस एक साथ आ जाते हैं है ना इट इज कॉल जूरी तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या होता है फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां से हमें पता होना चाहिए यहां पर जितने ये पहले वाले शब्द है देखिए यहां पे ऑफ लगा है ऑफ इज द प्रीपोजिशन इस प्रिपोजिशन के पहले जितने भी शब्द हैं ये हो गया ये हो गया ये हो गया जितने भी पहले शब्द हैं ये वाले इन सारे शब्दों का मतलब होता है ग्रुप इन सारे शब्दों का मतलब क्या है ग्रुप बट वट टाइप ऑफ ग्रुप इट इज इट इज रिटर्न आफ्टर दैट क्लियर जितने भी शब्द पहले हैं ऑफ के इन सबका मतलब होता है ग्रुप ग्रुप बट टाइप ऑफ वो बाद में लिखा हुआ है क्लियर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले लिखूं सबसे पहला है आर्मी सो so, आर्मी मतलब क्या है आर्मी इज द ग्रुप ये क्या है इसका मतलब है इट इज द ग्रुप बट व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप किस चीज का ग्रुप है इट इज द ग्रुप ऑफ द सोल्जर्स

मेंट शब्द काट वट टाइप ऑफ गुट ग्रुप इट इज वी आर वेरी मच फैमिलियर पार्लियामेंट में कौन बैठता है पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं एमपीज बैठते हैं दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लियर दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो पार्लियामेंट क्या है पार्लियामेंट इज द ग्रुप एंड वॉट टाइप ऑफ ग्रुप पार्लियामेंट में एम पीज बैठते हैं एम पीज के अलावा पार्लियामेंट ऑफ आउल्स भी होता है

उल मीन द्रुप ऑफ दूल इन इज शोल और शोल और स्कूल ऑफ फिश यानी कि जो, so, uh, जो मछली का जो समूह होता है उसको शोल या स्कूल भी कहते हैं ना यू शोल ऑल्सो फिश को मोस्टली फिशेज नहीं लिखते हैं क्योंकि एक्चुअली बात क्या है फिश जो शब्द है इसका इतना हम लोग ने जनरल यूज कर लिया इतना इसका लोकल डायलेक्ट में इतना यूज कर लिया है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम इसको एज ए फूड मानते हैं फूड फूड एक food है दो फूड है ऐसे नहीं मानते फूड एक ही रहेगा इसलिए हम उसको जब फिश का फिशेज इसलिए नहीं लगते जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसको हम एज ए फूड कंसिडर करते हैं फिश नहीं कंसिडर करते क्लियर नाउ सो द स्कूल ऑफ शोल ऑफ फिश प्राइड ऑफ लॉयस मीन द ग्रुप ऑफ द लॉयस ब्रूड ऑफ चिकन चिकन के जो समूह को ब्रूड कहते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रूट का मतलब क्या होता है ब्रूट का मतलब मैंने क्या बताया एक तो पहला हो गया हमारा ग्रुप ऑफ चिकन ब्रूट कहते हैं एंड मतलब है, ठीक है ना और उसके बाद पॉन्डर ठीक है ना ये च्यू ओवर इन सब का मतलब क्या होता है इन सब का मतलब होता है सोचना विचार करना डीपली थिंक ठीक है ना थिंक डीपली थिंक नहीं थिंक होगा ठीक है तो तो so, कर रहा है है इन so, मतलब क्या होता सोचना विचार करना और ब्रूट का और मतलब एक और होता है उसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ ए कपल चिल्ड्रन ऑफ ए कपल या इसी को बोल सकते हैं हम लोग ऑफ स्प्रिंग्स बट यू शुड नो दिस थिंग ऑफ स्प्रिंग इज मोर कॉमन इन टर्म्स ऑफ

ये तीन शब्द हैं इन तीनों शब्दों का मतलब होता है कीड़े मकौड़े वर्मिन पेस्ट इंसेक्ट मीन कीड़े मकोड़े क्लियर एंड हेंस फ्रॉम हेयर द वर्ड बिकम्स इफ मैं इसमें साइड एड कर दू सी आई डी ई साइड का मतलब क्या होता है आप साइड की स्पेलिंग तो एस आई डी होता है पर सी आई डी को मैं ऐसे समझाता हूं कि लेट से कोई आप आपसे किसी ने कहा कि चलो कोने में चलते हैं साइड में चलते हैं आपसे कुछ बात करने और वहां पे आपके उस, उसने, आपको स्टैब कर दिया क्या कर दिया स्टैब स्टैब कर दिया stab का मतलब होता है चाकू मार दिया आपको ठीक है तो किसी के साथ साइड में नहीं जाना साइड का मतलब होता है किल कर देना सो so, यहां से वर्ड क्या बन गया आप वर्मी साइड इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड कीटनाशक इसको बोलते हैं कीट देन द वर्ड बिकम द साइड इंसेक्टिसाइड एंड द पेस्टिसाइड बिकम द कीट नाशक सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो You should be familiar now. So the pack of what? Pack of women's, pack of cards.

आपको ये पहले वाला वर्ड दे दिया जाएगा आर्मी ऑफ वॉट आपको दूसरा आगे का शब्द लिखना पड़ेगा सो फ्रॉम हियर की वट एवर वर्ल्ड इज उसका मतलब क्या होता है इट मीन द ग्रुप किस चीज का ग्रुप है क्लम क्लम्प ऑफ ट्री सो ट्रीज सो ग्रुप ऑफ जो ट्रीज होते हैं उसको बोलते हैं क्लम्प शुड ऑल्सो नो दिस थिंग दैट वुड You should know about the wood. Wood का मतलब क्या होता है wood and timber, इसका मतलब होता होता है है? है. लकड़ी. 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 लकड़ी अगर मैं और इसमें log, log. Log means क्या लट्ठा. लट्ठा लट्ठा उसका जो इस शेप में होती है इसको बोलते हैं लट्ठा ठीक है और ये एक शेप में हो गया इसको पिलो भी बोलते हैं जो तकिया होती है

ट्रूप ऑफ डांसर जो डांसर समूह होता है ट्रूप एंड ट्रूप ऑफ सोल्जर्स दैट इज डांसर एंड ट्रूप ऑफ सोल्जर नो वर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन दम इसमें क्या है इसमें यू है और इसमें क्या है डबल ओ है आपको पता है क्या लेट से अगर मैं यू के बारे में बात करूं तो टी आर ओ यू पी

Difficult time. Difficult time of the exam. Through this difficult concept of the language. So, I will make you sail. So, I am the sailor of your exam. So, hence the crew of the sailor. Clear? Next is the bunch of the grapes, bananas and the keys. So, bunch means what? Group. A group of what? Group of grapes. Grapes. Angur. And bananas. And keys. Keys ka bhi ka hota. Chabiya ka buchha hota. And that's known as the uh, bunch. Next is the chain range of mountain. You know that Himalaya is not one mountain. Clear? Himalaya is the range of mountain. From the Pami, pa pa not. टू दि नेपाल हिमालय ठीक टू द डैट मेघालय गारोखासी जयंतिया टू द अरुणाचल अबो डाफला मिरी मिशमी टू द अराका योमा रेंज एंड देन द अंडमान एंड निकोबार सो इट इज नॉट जस्ट द वन माउंटेन इट इज दैन ऑफ द माउंटेन सो हैंस हेंस दैट इज नोन एज द चेन और रेंज ऑफ द माउंटेन सो माउंटेन एक नहीं है अगर बहुत सारे माउंटेन है कलेक्टिवली है हिमालय सो इट इज नोन एज द चेंज ऑन द रेंज ऑफ द माउंटेन एंड दैट दैट वर्ल्ड इज वेरी नियर टू माई हार्ट

or spectacle. Whenever you term उंटर दिसम पेयर पेयर मीन वहां पर हमेशा मिन, वहाँ पर हमेशा दो चीजें हैं मतलब है? दो चीजें हैं स्पेटिकल्स क्लियर शूज पर ट्राउजर्स आपको पैंट पहनते स्पेक्टिकल्स मैंने लगाया इस स्पेक्टिकल्स में दो देखे दो क्लासेस है इसका मतलब क्या हुआ दो इसीलिए वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स नहीं होता है वेयर आर माई स्पेक्टिकल अगर वहां पर दो चीज आ गई तो उसका मतलब क्या हो गया वेयर आर स्पेक्टिकल्स क्लियर सो इन वेयर आर माई वेयर आर माई शूज वेयर आर माई इसको सिर्फ एक को योर राइट शू इज वेरी डर्टी देन इट इज ओके अदरवाइज वेयर आर माई शूज क्लियर गैगल ऑफ गीज गैगल क्या है Gaggle क्या होता है? टाइप ऑफ वर्ड नेक्स्ट इज दाइव ऑफ बीज ठीक है ना स्वाम और हाइव 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 मतलब स्वाम और का मतलब हो गया ग्रुप किस चीज का ग्रुप है बीस का बीस का मतलब क्या हो गया मक्खी ठीक है ना हनी बी को बोलेंगे तो मधुमक्खी क्लियर हनी मी का मधुमक्खी अगर थोड़ा सा तो हाइव को बोलते हैं छत्ता ठीक है ना और उसके बाद बी हाइव बोल सकते हैं उसका मधुमक्खी का छत्ता होता है और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बी तो बी भी बोल सकते हैं बी मतलब मक्खी एंड यू कैन ऑल्सो कॉल एज द फ्लाई और उसके बाद सैंड फ्लाई और हाउस फ्लाई इन सबका मतलब कहीं कही ना कहीं क्या होता है इन सबका मतलब होता है मक्खी और जो मक्खी होगी मक्खी मतलब होगी वो शहद निकालेगी उसको बोलते हैं दैट इज नॉन एज दी हनी हनी और नेक्टर हनी और नेक्टर का मतलब होता है शहद और नेक्टर को ही बोलते हैं अमृत भी बोलते हैं हनी और शहद का मतलब क्या हो गया हनी और नेक्टर का मतलब शहद हो गया इसी को हम अमृत भी बोलते हैं तो ये चीज आपको पता होना चाहिए उाउट स्टाफ स्टाफ क्या होता है दीज ऑल आर आर कलेक्टिव नाउन ये क्या है हमारी दिस इज वॉट दिस इज हमारी दिस इज वॉट दिस आर कलेक्टिव नाउन क्लियर सो मैं इस वीडियो को यही पर कॉज करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में uh, मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग दी कलेक्टेड नाउन के यूज और इसे क्या है या मैं इस वीडियो में भी इसको बता सकता हूं क्योंकि अगर मैं नहीं बताता हूं तो फिर आप रिलेट नहीं कर पाओगे शायद ठीक है तो इसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूं अभी क्या लिखा हुआ है पहले बात कर लेते हैं मैंने क्या बताया पहला क्या हो गया पहला हमारा कॉन्सेप्ट हो गया यहां पर पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमने क्या किया अगर हमने इस वीडियो को अगर हमने एग्जाम में क्या है फर्स्ट ये वर्ड दे दी जाएंगे आपको इसके आगे वाला में नहीं लिखना है तो पहला टाइप ऑफ द क्वेश्चन क्या बन गया कि वो जो ग्रुप दिया गया है वो ग्रुप किस चीज का

so hence what is written there collective noun as the unitedness if the collective noun is unitly together अगर collective noun जो है मतलब हमारा क्या है हमारा group what is the meaning of collective noun collective noun का मतलब हो गया group अगर हमारा collective noun क्या है यानी कि हमारा जो group है वो क्या है अगर unite है unite का मतलब क्या हो गया एक what example I have given you I have given you the example of what I give you the example of that uh, uh, that uh, th that oranges that I'm carrying ten oranges and I'm holding a bag

हम ये नहीं कर बोलेंगे रोहित शर्मा ने अलग जीता विराट कोहली ने अलग जीता धोनी ने अलग जीता नहीं हम बोलेंगे टीम ने जीता है फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा अगर मैच जीत जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि आ, ये सिर्फ जो मैच जीता है वो मैंने जीता है ठीक है या ये मैच जो है सिर्फ विराट कोहली ने जीता है ऐसे नहीं बोलते हैं वो क्या बोलते हैं दिस वी हैव वॉन दिस मैच द आर टीम हैज वॉन दिस मैच क्या बोलते हैं आर टीम हैज दिस मैच हमारी जो टीम है उसने ये मैच जीता है

ग्रुप अगर एक है तो यानी कि ये कहीं ना कहीं कलेक्टिविटी को दिखा रहा है को दिखा रहा है कि वो यूनानिमसली आर दे आर गोइंग इन अ वेरी सिंगुलर फॉर्म सो ये कहीं ना कहीं हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो अभी क्या होगा सिंगुलर हो जाएगा तो वॉस तो की यहां पर वर्क की जगह क्या हो जाएगा वॉस हो जाएगा अ अशोल ऑफ फिश वॉज स्विमिंग अक्रॉस द पॉइंट आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर क्लियर क्स्ट लेट अगेन शोल ऑफ का मतलब ग्रुप है अब क्योंकि ग्रुप जो है वो क्या है पॉन्ड को क्रॉस कर रहा है क्रॉस तो कर रहा है ग्रुप नाउ हाउ मनी ग्रुप देयर वन ग्रुप इज देयर इफ वन ग्रुप इज देयर देन दब्जेक्ट इज वन मीस सब्जेक्ट इज सिंगर एंड यूज दर्ज मीन सिंगुलर हेल्पिंग गो क्लियर

क्या वर्ड है लॉन्ग लॉन्ग मतलब देखें ये कितना लॉन्ग है बहुत लॉन्ग है बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो अगर कोई इंसान ऐसे ऐसे जा रहा है इफ समन इज गोइंग लाइक दैट सो दिस ही इज गोइंग वॉट ही इज गोइंग अलॉन्ग क्लियर बट अक्रॉस में ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्रॉस है क्या है क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या मूव करना ऐसे रोड क्रॉस कर रहे हो तो उसी में लगा दिया हमने अक्रॉस सो इफ लेट से यू आर मूविंग इन सच अ वे इन सच अ वे सो दिस इज अक्रॉस द रोड इफ यू आर गोइंग दिस वे यू आर गोइंग अलॉन्ग द रोट

एलिफेंट मीस वॉट हर्ड ऑफ एलिफेंट मीस ग्रुप ऑफ एलिफेंट ना ग्रुप ऑफ एलिफेंट टूगेदर होगा एक साथ होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉक वर्क की जगह यहां पर वॉश हो जाएगा नेक्स्ट द जूरी मेड दियर डिसीजन यूनानिमसली ज्यूरी मेड दियर डिसीजन यूनानिमसली मैंने बताया जूरी क्या होता है द ग्रुप ऑफ द जजेस इज नॉन जूरी एक जज को जूरी नहीं कहेंगे सीजीआई आ जाए चंद्रचूढ़ साहब आ जाए वो अकेले बैठ के डिसीजन ले इज नॉट 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 विल बी वी गोइंग टू स्टेट इट एज द जूरी इफ ऑल द जज बेंच सेवन जज बेंच है ना इस तरह से सारे बेंचेस अगर लग गई तो दैट बेंच क्या होता है वैसे वो जो कलेक्टिव बैठे हैं दैट इज नॉट एज द बेंच फाइव जज बेंच सिक्स जज बेंच इस तरह से बात करते हैं थ्री जज बेंच तो जूरी क्या है नंबर ऑफ द जजेस जो एक बेंच में बैठे हैं जो डिसीजन देंगे तो अब मैं यहां पे क्वेश्चन क्या है जूरी मेड द डिसीजन अपना डिसीजन दिया कैसे यूनानिमसली एक शब्द हमारे पास है यूनानिमसली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनानिमसली पहले ये समझना होगा यूनानिमसली क्या होता है यूनानिमसली दिस यूनानिमसली वर्ड इज मेड फ्रॉम द वर्ड यू ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है यू है यू का मतलब क्या होता है अमराला और आपको पता है अगर हमारे पास क्या है काला वाला छाता है काला वाला छाता कौन सा था बहुत पहले चलता था बड़ा वाला छाता अभी भी हम लोगों के पास है है अब अगर उस ब्लैक वाला छाता और आपने उसको ले लिया और आप हैं आपका दोस्त है और आप उसको लेकर ऐसे चल रहे हैं आपको पता है आपको और आपके दोस्त को जो कदम बढ़ाना पड़ेगा धीरे 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 कदम बढ़ाना पड़ेगा वो कैसे बढ़ाना पड़ेगा एक साथ बढ़ाना पड़ेगा अगर आप कदम एक साथ नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा वो भीग जाएगा या आप भीग जाओगे सो मीन्स यू बोथ हैव टू टेक द यूनानिमस अप्रोच

उन इज कलेक्टिव इज वन और प्लुरल इफ इट एज सिंगुलर तो हमको चेंज करना पड़ेगा अपने प्राण को अगर ये प्लुरल है तो प्राउन को चेंज करने की जरूरत नहीं है बट वट यू हैव गॉट टू नो फ्रॉम दिस यूनानिमस वर्ड की ये जो यूनानिमस जो वर्ड है इसका मतलब उन्होंने जो डिसीजन लिया वो एक तरह से लिया एक साथ लिया अगर उन्होंने डिसीजन एक साथ लिया तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है एक साथ लिया एक होके लिया सर्वसम्मति से लिया एंड हेंस विल यूज इट्स

Well, जूरी डिवाइड हो, हो गई है अगर जूरी डिवाइड हो गई है तो मतलब क्या हो गया टूट गई है टूट गई है तो मिनिमम दो हो जाएंगे और मिनिमम दो हो गए प्लूरल क्लियर हेंस द जूरी यहां वॉर्स की जगह क्या हो जाएगा द जूरी वेड इन

पुलिस जो शब्द है ऐसे देखा जाए बोलते हैं कि हमेशा इसको वी ऑलवेज यूज़ दिस वर्ड द प्लुरल ठीक है ना नाउन जो है प्लुरल पुलिस इसको हम हमेशा प्लुरल की तरह यूज करते हैं वाई जैसे आपने भाषा में, में सुना होगा पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया एक तरफ दो तरफ तीन तरफ चार तरफ ठीक तो यानी कि हम इसको एज ए Plural मांग रहा है मैंने कहा कि लेट से आपके अगर आपके दरवाजे दरवाजे पुलिस पुलिस अगर तो आप हमेशा जानते हो एक आदमी नहीं आएगा मिनिमम दो आदमी आए होंगे भाषा के तौर तो पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्रामेटिकली तो है ठीक है इसको की भाषा क्या है कि हर टाइम जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता ठीक है कभी कभी हम क्या करते हैं कभी कभी जो भाषा के जो नियम है उसको भी हम कैरी uh, करते हैं ना इसका भी मैं देने वाला हूँ तब तो आप और अच्छे समझेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पुलिस हैज अब यहाँ पर बात किया जैसे अब पुलिस किसी चोर का पीछा कर रही है तो दो पुलिस वाले चोर के पीछे होंगे कार के दो पुलिस वाले नाके पे खड़े होंगे दो पुलिस वाले रेडियो पे उसको इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे तो पुलिस जब भी काम करती है कलेक्टिवली काम करती है ठीक है और भाषा ऐसे ही चलती है फॉर एक्साम्पल अगर मैं बताऊं आजकल हम लोग जब भी कोई हैं, तो वहाँ पे लिखा, हैं कि शिपिंग क्या लिखा होता है तो हो नहीं आ रहा है जितने भी जो हमारे जो मटेरियल आता था रॉ मटेरियल था वो कहा से आते पोर्ट से आते थे और अगर मटेरियल रॉ पोर्ट से आ रहा है तो वहां तो पर क्या होता था पहले जितने भी जो 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 आता था बंदरगाह में आता था मुंबई बंदरगाह में आता था

ठीक, so so पर इसी वजह मैं कह रहा हूं कि इसको इसको हम हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर हाँ करेंगे, पर का प्रयोग द पुलिस शब्द को हमेशा ही यूज करते हैं नेक्स्ट थिंग अगर पुलिस जो शब्द है अगर हम इसको कभी कभी सिंगुलर की तरह भी यूज होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं पुलिस इज वन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन दैट कंडीशन उसको हम सिंगुलर भी यूज करते हम कैसे यूज कर रहे हैं नेक्स्ट द टीम हैज और हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी यू नो वेरी वेल अगर टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो किसी एक प्लेयर ने तो नहीं दी होगी ऐसा तो नहीं कि रोहित शर्मा के बोलते कि मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है नहीं, नहीं टीम ने दी है कलेक्टिवली दी है तो उस टाइम क्या हो गया टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो सब ने ग्यारह खिलाड़ी है सबने साथ में परफॉर्मेंस दी है तो ये कहीं ना कहीं ये सिंगलर को दिखा रहा है और अगर ये सिंगलर को दिखा रहा है तो क्या हो हो जाएगा जाएगा पर हैज द टीम हैज गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस नेक्स्ट द टीम इज और आर फाइटिंग लाइक द स्ट्रीट बॉयज अब टीम जो है लड़ रही है ग्यारह खिलाड़ी है वो आपस में लड़ रहे हैं लाइक ए स्ट्रीट बॉयज बॉयजे गली के लड़के लड़ते हैं इन दैट कंडीशन वट यूज यहाँ पर क्योंकि वो लड़ रहे हैं इट बिकम

वो प्रपोजल जो दिया गया उसके लिए वो रेडी हो गई अगर कमेटी प्रपोजल के लिए रेडी हो गई तो यानी क्या है वो एक साथ रेडी हुई हो होगी तो हेंस व्हाट विल कमेटी हैज एग्रीड टू द प्रपोजल ऑफर जो भी प्रपोजल उन्हें दिया गया उस प्रपोजल के लिए वो क्या हो गई वो एग्री हो गई

Uh, इसके बाद हम विल टॉक अबाउट नाउन और भी कई सारी जो मटीरियल बात कर चुके हैं कैसे हैं और भी कई सारी चीजें हैं सेशन आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज जस्ट लेट मी नो डो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन डू लाइक दीडियो सब्सक्राइब चैनल शेयर दीडियो फ्रेंड्स टिल देन टेक गुड बाय जय हिंद धन्यवाद